आज तो लेट हो जाए तो ये भाग जाते हैं छोड़ कर ही चलते जाओ। अस्सलाम वालेकुम। जो दुनिया के नामवर तरीन ग्राफिक डिजाइनर हैं जी, ये देखे जी, सामने शादी है, बारात जा रही है माशा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ जी सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, और आप देख रहे हो जी मेरे यूट्यूब चैनल एम तैमूर आबिद। आज के व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो भाई जान अभी सुबह का टाइम हो चुका है 9:30 बजे, तो अभी मैं घर ही बैठा था तो यार एक दोस्त है फारूक, वो आया मेरे पास कि जाना है ये काम। मैंने कहा चले जी चलते हैं। तो उससे पहले मैंने उसे बोला मैंने जाना अपने दोस्त के पास, इफ्तिखार भाई हैं, वो पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, इफ्तिखार भाई ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। तो उस दिन गया था, कुछ काम थोड़ा बहुत रह गया था, तो अभी उनके पास दोबारा जाना है। पहले उनके पास जाएंगे, उसके बाद फिर इन भाई हैं इनके साथ जाएंगे, इनके साथ जो भी काम है वो करेंगे, चलते हैं जी। जी तो यार भाई फारूक हैं वो आ चुके हैं सामने जी, वो देखें जी रोड पर। तो मुझे अभी कॉल किए कि मैं बाहर आ चुका हूँ, मैं कह रहा था बस 2 मिनट में आ गया, तो वो बादशाह आ चुके हैं, चलते हैं इनके साथ बाइक पर। तो ये बादशाह हैं बड़े थोड़े से ना कुछ मिला, तो लेट हो जाए तो ये फिर भाग जाते हैं छोड़ कर ही, चलते जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है, आज इंजॉय कर रहे हैं, चलें चलते हैं। सही है, देख ले कैमरे से छुपे रुस्तम है, ये कैमरे में आते ही नहीं है जी। तो भाई जान हम लोग पहुंच आए हैं जी, जो दुनिया के नामवर तरीन ग्राफिक डिजाइनर हैं जी, इफ्तिखार भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत है? तो ये है जी डिजाइनर इफ्तिखार बड़ाई साहब, क्या हाल चाल है भाई, ठीक ठाक है, खैरियत है? मैच तो बढ़ गया ना, ऐसे बढ़ता है मैच, ठीक है हाँ ना। अच्छा जी चलें जी यार, अभी आए हैं इफ्तिखार भाई के पास। तो ये है जी इनकी शॉप है, तो सोलर प्लेट्स वगैरह ये देखे जी पड़ी हुई हैं, बारिश हैवी किस्म का। अब तो मेरे ख्याल में सीजन भी आउट होने वाला है, और इफ्तिखार भाई का जो काम है अरूज पर होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग वाला। और चले जी देखते हैं, गपशप लगाते हैं भाई इफ्तिखार से, काम शाम करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक हैं, खैरियत है, सेहत भी ठीक ठाक है माशाल्लाह यार, आप बहुत प्यारे लग रहे हो आप जी। तो यार ये फारूक भाई हैं, तो ये मेरा काम था, ये खुद अपना करवाने लगे हैं काम, तो बाहर भेज दें, चले भाई यार ये भाई जान, ये देखे जी अपना ये काम करवा रहे हैं, ये कोई शोरूम वरूम है उसका बनवा रहे हैं, भाई साहब का शोरूम है। और चले जी देखते हैं यार किस टाइम हमारा नंबर लगता है यार, ये प्रोटोकॉल का, और ये सिफारिश लेकर आ जाते हैं भाई के पास, पहले इनके काम में भी थे। कोई नहीं, हमारा भी एक दिन ये करेंगे, जब हम यूट्यूब पर होंगे ना, तो 3-4 लाख सब्सक्राइबर है, तो ये हम खुद आकर बना देंगे, टेंशन तो लेनी नहीं है ना भाई साहब, क्यों जी। तो यार भाई साहब हर भाई से भी काम शाम हो गया है, मेरा काम हो नहीं, ये भाई साहब इन्होंने अपने सारे काम करवा लिए हैं, मेरा काम होने नहीं दिया, तो भाई फार भाई ये ज्यादा है, तो वो भाई साहब दो सब्सक्राइबर हो गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली वीडियो में पाकिस्तान के मैच में, तो बाश माशाल्लाह बहुत यार शुक्रिया सब्सक्राइबर करवाने के लिए। तो भाई साहब आपको दिखाते हैं, ये आज माहौल है, आज कुछ लोगों के लिए अच्छे दिन हैं, ये देखे जी सामने शादी है, बारात जा रही है माशाल्लाह, और ये भाई हैं, ये बहुत ही अपसेट हैं, तो नहीं नहीं इलेक्शन नहीं है, पहले पहले शादी करेंगे ना, शादी नहीं हो रही भाई की यार, सब लोग दुआ कर भाई की शादी हो जाए यार, क्या करना शादी, यही कहते हैं नहीं करनी, अंदर से कहते हैं कि यार आज ही हो जाए ना हमारी, ठीक है। तो भाई साहब चलते हैं जी अभी घर, तो आज घर में भी ना कोई नहीं है,
सब गए हुए शादी पर गांव में, तो कहा जाना है यार कोई खाने पीने का निजाम करते हैं, खुद ही बना लेते हैं आज, ठीक है चलते हैं। हाँ जी, तो यार ये देखिए हम लोग आए हैं चाट खाने, रास्ते में चाट वाला था भाई खा रही हैं, तो ये फरूक भाई इन्होंने बोला मैं आपको चाट खिलाता हूँ। मैंने कहा आज कल बारिश आई की बड़ी हैवी किस्म की, तो ये भाग रहे हैं जी। मैंने कब बोला है ये भी बात है, बाशी चाट देखें जी बड़ी हैवी किस्म की चाट कारी भी बनाते हैं जी, तो बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की खाते हैं जी। मज़े किया यार, जी तो यार वापस आ चुके हैं जी फरूक भाई, ये मुझे ड्रॉप करने आए हैं, तो अब चलते हैं जी घर, घर जाकर देखना है यार क्या टाइम होने वाला है, तो घर में तो है तो नहीं, आपको बताया मैंने आज खुद ही कोई ना बनाना है, देखते हैं जी क्या बनाते हैं, कैसे बनेगा क्या बनाते हैं कोई पता नहीं अभी, लेकिन सोचते हैं क्या करना है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया यार, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत याद। ओके, तो यार घर पहुँच चुके हैं जी, तो उसके बाद गर्मी आज बनी हुई, रात को बारिश भी हुई है लेकिन पता नहीं आज गर्मी क्यों बन गई है ज़्यादा, कोई नहीं मौसम सर्दियों का आने वाला है बहुत जल्द इंशाल्लाह, तो हमारा तो फेवरेट मौसम ही सर्दियों का है। अच्छा जी, तो मैं ना गाजियाबाद को चीज़ बनाने का सोच रहा था कि क्या बनाऊँ, तो मज़े की बात बताता हूँ आपको, साथ बड़े पड़ोसी हैं उनके घर आज ना कोई कुरान खानी थी, तो उन्होंने चावल शावल बनाए हुए थे, तो उनके अभी पहुँचे हैं यार। अच्छा, तो मैंने बनाई नहीं थी अभी, उनके चलो शुक्र है बनाने की जहमत ही नहीं करनी पड़ी। ये देखिए जी चावल शावल भी आ चुके हैं, ये मेरे ख्याल में कोई खीर शीर है, और ये चावल है बादशाह, हमारा निज़ाम तो हो गया बेहतरीन, बादशाह भी इसे टिका लेते हैं जी टिका के, तो जान छुट्टी यार पकाने की जहमत नहीं करनी पड़ी। हाँ जी यार, तो भाई अभी खुद खा पी रही है, अब ये खरगोशों की बारी है यार, इनको भी कुछ खाने वगैरह घास वगैरह डालना था, तो मुझे याद नहीं रहा था, अभी याद आया तो मैंने कहा चलो इनको भी डाल देते हैं यार। माशाल्लाह यार बहुत ही प्यारे खरगोश हैं हमारे, नज़र ना लगे किसी की। तो भाई साहब क्या कहते हो आप लोग, कैसे हैं खरगोश, कमेंट में लाजमी बताइएगा। अभी एक दो दिन में दो तीन खरगोश और भी लेकर आने हैं मैंने, तो इसके बाद अभी मुर्गियाँ वगैरह भी लेकर आनी है, रखेंगे साथ इधर ही छत के ऊपर ही बनाने हैं जगह, तो चिड़िया घर बना देंगे सारा, सब चीज़ें ले आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो यार ना अभी थोड़ी देर पहले रिजवान आया मेरे घर, तो बैठे थे तो चाय पीने लगे थे, तो कोई चीज़ नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ना मुझे बुलाया, मुझे इसने बुलाया तो मैं चावल खिलाऊँ, मैं आया हूँ जी रोटी शोटी छोड़। अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, नहीं नहीं, मैंने ना इसको बताया था कि आ यार ना चावल बनाते हैं, तो आ जाओ तुम, ये नवाब का बच्चा जी 3 घंटे बाद आया, ठीक है, तो उस टाइम जी फिर आपको बताया गया था पड़ोसियों के घर से आया ना, लंगर पानी आ गया था, मैंने खा पी लिया, तो इन भाई से ना जनाब हुआ ये कि अभी आए हैं, फिर चाय वगैरह पिलाते हैं साथ कुछ चीज़ लेते हैं, तो उसके बाद चलते हैं जी क्या पकौड़े यार इधर कहाँ से आ गए, नहीं रोड पे नहीं इधर नहीं है ना, चाचा जी क्या हाल है, अच्छा दसो जी। अच्छा जी, तो यार ये हमने ना कोई निम्को बिस्किट बिस्किट चिप्स वगैरह पता नहीं क्या क्या, ये मलक साहब हैं इन्होंने ले लिए हैं, तो ये आप घर जा रहे हैं ये वापस और चाय शाय पीते हैं यार, और कोई काम नहीं खाने के अलावा, ब्लॉग में कह देता है जी आज तैमूर भाई ये खिला रहे हैं, बाजी तैमूर आबिद की फिर वार्ड लग जाती है। कितनी देर खिलाया, एक दो दफा खिलाया। अच्छा चलो यार नेक्स्ट टाइम फिर कहना आप, ठीक है। नहीं, नहीं, आप बहुत अच्छे हैं मतलब। ठीक है जी, तो यार चाय आ चुकी है हमारी, तो बादशाह जी ठंडी कहाँ हुई है, मजेदार मजेदार चीज़ है ना यार, ऐसे लगे हुए खाने के ऊपर, ये देखो दोनों काम यार खुद ही रख लो, कहीं जानवर वाली नहीं होती वो रख लो तुम दोनों, ऐश करो जिंदगी में बस, हाँ यही काम है और कोई काम नहीं है खाने के अलावा,
हाफिज साहब के आजकल मदरसे से छुट्टियां हैं तो ये बड़े परेशानी में है। लंगर कम मिल रहे हैं इनको आज। हाँ जी, तो यार ये देखे ना, ये सारी चीजें हड़प कर गए हैं जी। ये कलियां शलियां इधर ही रख दी हैं, चाय शाय पी ली है। ये रिजवान भाई हैं, ये देखे उठा उठा कर इधर रख रहे हैं। तो भाई साहब अभी करने लगे हैं जी व्लॉग को एंड। मगरब का टाइम हो चुका है, नमाज पढ़नी है, उसके बाद फिर वीडियो शीडियो एडिट करके फिर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।